नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत ग्राम मचौली में गूंजेगी राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के सुखद संगीत की अमृतवाणी। ग्राम मचौली के समस्त ग्रामवासियों के अथक प्रयासों से एक छोटे से गांव में इतने बड़े आयोजन की रखी गई नींव। आयोजक मंडल ने संत जी का आभार व्यक्त किया। इस छोटे से गांव में उनके चरण पड़े और लोगों को इनके दर्शन और इनके सत्संग श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। 22 फरवरी को संत जी के साथ जुलूस निकालकर गांव में भ्रमण किया गया और संत जी की आरती के बाद माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत वंदन किया गया। इसके उपरांत कोतमा के पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल, आयोजक मंडल, समस्त ग्रामवासी और पुलिस बल मौजूद रहा। जी, बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस ग्राउंड में इतना बड़ा सत्संग कराया जा रहा है। क्या योजना है, किस प्रकार से आप लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे आप आज संपन्न कराने में सफल हो पा रहे हैं? जी, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव असंग देव जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, जो हम आग्रह करेंगे सभी भक्तजन बड़े श्रद्धा के साथ आए और श्रवण करें। ये निश्चित रूप से आसपास के जितने भी गांव हैं यहां पर सभी लोगों को ये सत्संग का लाभ मिलेगा। अवश्य, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किस प्रकार से आप लोगों के दिमाग में आया कि यहां पे ये आयोजन किया जाना चाहिए और क्या पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के सहयोग से ये हो रहा है या तो पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कराया जा रहा है? यह कार्यक्रम यहाँ पर पर्सनल भी है और सभी का सहयोग भी, पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी के सहयोग से कराया जा रहा है और यहाँ पर आत्मिक सुख और शांति के लिए सब लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं। यहाँ पे प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और उनके साथ जो महाराज जी आए हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। पूरी कमेटी की व्यवस्था के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हुए? कमेटी की व्यवस्था के लिए हो गया, प्रशासन के आला अधिकारी उनको बुलवाए हैं और हमारी कमेटी और क्षेत्र के लोग सभी प्रकार से कार्यक्रम को सुचारू चलाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आसपास के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आसपास के लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं और अपील भी की है कि सभी लोग सहयोग करिएगा। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोगों को सत्संग लाभ मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? यही है, ये सब एक विचार बनाए कि हम लोग एक धार्मिक कार्यक्रम रखें यहाँ और सबको, जो अभी हमारे विश्व में कोरोना का विश्व काल जो एक इतना बड़ा आपत्त काल आया, इसी की सोच को मध्य रखते हुए हम लोग बोले कि ये कार्यक्रम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम रखें। बहुत बहुत सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद।